दोस्तों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में बहुत सारे माउंटेन फोर्ट्स है। आज हम ऐसे एक फोर्ट का ट्रैक करने वाले हैं जो बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ पांडवगढ़ फोर्ट और हम आगे निकलते हैं। सुबह 6:30 बजे मैं पुणे से निकला भोर की तरफ। भोर से पहले ये खूबसूरत लोकेशन दिखता है जिसे नेकलेस पॉइंट कहते हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज है शिव जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। भोर से मैंने लिया मांडर देवी घाट का रोड। ये रोड बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में मुझे खेत का पानी मिला और मैंने एक साइड में पूरा चट्टान और एक साइड में है ये पूरी खाई। युहू, सातारा जिल्ह्यात आपले स्वागत आहे। युहू, थोड़ा आगे आते ऐसा बोर्ड दिखेगा, ये रोड है वाई की तरफ जाता है और यहाँ से मांडर देवी। तो हम वाई वाला रास्ता लेंगे पांडवगढ़ फोर्ट के लिए। तो ये वाले घाट रास्ते से जाना है हमें, वहाँ से होके वो नीचे क्या जबरदस्त घाट भी है और वो है पांडवगढ़ फोर्ट, वो है हमारा आज का टारगेट। और ये रोड तो देखिए कितना जबरदस्त है, वाओ, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। मुंबई से 230 और पुणे से 80 किलोमीटर पर ये किला है। अरे भाई, बीच रास्ते में झगड़ा कर रहे बंदर लोग। यहाँ पे समाप्त होता है मांडर देवी घाट। तो हम पहुंच गए पांडवगढ़ फोर्ट बेस पे। वो रोड से आ गए हम भोर मांडर देवी साइड से और यहाँ पे बस्ती है छोटी सी, एक बोर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बाइक पार कर सकते हैं। और यहाँ से एक ट्रेल है, तो वो ट्रेल से हमें आगे जाना है। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है अपना वो पांडवगढ़ फोर्ट का ट्रैक। यहाँ पे बहुत ही तेज हवाएं चल रही है। सुबह 6:30 बजे पुणे से मैं निकला घर से और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। और जो रोड था भाई, भाई क्या गजब का रोड था। तो मेरा रूट जो था आज का, पुणे से मैंने सातारा हाईवे लिया, वहाँ से भोर पहुँचा और भोर से मांडर देवी का रोड पकड़ा। मांडर देवी घाट से होते हुए वाई का रोड पकड़ा। ये ट्रेल कुछ ऐसी है, काफ़ी चढ़ान वाली ट्रेल है और जिगजैग में है। पांडवगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के फेमस हिल स्टेशन महाबलेश्वर पंचमढ़ी के पास आता है। और चाय नाश्ता भी बाकी है, अभी डायरेक्ट हम फोर्ट के टॉप पे पहुँचते हैं और वहीं पर ही हम अपना चाय नाश्ता बनाते हैं। तो पीछे वाला जो पहाड़ है गाइस, वो पहाड़ क्रॉस करके हम आ गए हैं बाइक राइड करते हुए और बहुत ही मज़ा आया यहाँ तक पहुँचने का। दोस्तों, पांडवगढ़ फोर्ट एक वन डे ट्रैक है जो एक ही दिन में आसानी से किया जा सकता है। बहुत ही सीनिक व्यूज है। ओहो, वहाँ से आ गए हम वो वाले रोड से। दोस्तों, पांडवगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में वाई के पास आता है। पांडवगढ़ फोर्ट जो है वो महाबलेश्वर माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है। अभी शायद आधा ट्रैक भी हुआ नहीं है, पसीना स्टार्ट हो गया है। अभी फेब्रुवरी मंथ खत्म नहीं हुआ है, मार्च अप्रैल मई 3-4 महीने जाने हैं, लेकिन अभी भी समर की झलक दिखाई दे रही है। 5 मिनट रुकते और पानी पीते। कीड़े की आवाज़ तो सुनिए। धूप से बचने के लिए ये अच्छा उपाय है। तो झोपड़ी के राइट साइड से पीछे से ही एक ट्रेल जा रही है, तो वो ट्रेल से हम ऊपर चढ़ने लगे। यहाँ से थोड़ी अच्छी ट्रेल दिख रही है, आपका पैर स्लिप नहीं होगा। मैंने सुना था कि ये फोर्ट तक जाने के लिए एक हार्ड पैच भी आता है जो दो पत्थरों के बीच में तराशे हुए स्टेयर्स है, तो वो वाला सामने है वो। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पैच लग रहा है। पांडवगढ़ फोर्ट का एल्टीट्यूड है लगभग 4,200 फीट और बेस से लेकर टॉप तक इसे पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। और ट्रैक लेवल जो है वो सिंपल टू मीडियम है। ये डिफिकल्ट दिख रहा है बट डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल स्टेयर्स है। फाइनली
ऑफिशियली हम लैंड कर चुके हैं पांडवगढ़ फोर्ट पे। तो आगे आते ही आपको ये तालाब दिखाई देगा, पानी पीने लायक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री है मालकी बंगला, बंगले और एंट्री करूँगी अभी, तो वहाँ पे हमें एंट्री करवानी है अपनी। तालाब का पानी देख के मेरा गला सूख गया है, तो मैं भी अभी अपनी बोतल खोलूँगा और पीऊँगा, पानी रहे। तो यहाँ से दो ट्रेल्स है, एक टॉप की तरफ जाता है फोर्ट की तरफ, और लेफ्ट साइड में वहाँ नीचे केव्स है, केव्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पानी के सोर्सेस दिख रहे हैं और वहाँ नीचे केव्स भी है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, बहुत पानी है। यहाँ पे स्टेयर्स है, वहाँ तक नीचे जा सकते हैं हम। तो भी वहां तक चल के जाते हैं ये रिज से। केवल आधा फीट की जगह है यहां से, अगर पैर गलती से भी फिसल गया तो दोनों तरफ पानी है, डुबुक डुबुक। कीड़ों की आवाज सुन रहे? पांडवगढ़ फोर्ट, यदि आप पुणे मुंबई साइड से आ रहे हो तो आप हाईवे से भी आ सकते हो, लेकिन मैंने चुना ये घाट वाला ब्यूटीफुल रास्ता। तो बंगले से थोड़ा और चलते ही आप पहुंच जाएंगे गेट के मेन एंट्री में, और यहाँ पे पहुंचते ही मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही है। हालांकि यहाँ पे दरवाजा नहीं है, अभी मेन एंट्रेंस है, और ये साइड में ही फोर्टिफिकेशन दिख रही है, फोर्ट की एक बड़ी सी दीवार है। थोड़ा और आगे जाते ही छोटा सा दरवाजे का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे भी दरवाजा नहीं है, और ये शायद तीसरा दरवाजा होगा। बजरंगबली हनुमान मारुति का मंदिर, बजरंगबली की जय। और यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है लाइमस्टोन मिक्सचर, यानी पत्थर का चूने का खाना बोलते हैं इसे। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर मैंने केंजलगढ़ फोर्ट और रोहिडेश्वर फोर्ट पे देखा था। तो फोर्ट पे थोड़ा और आगे आते ही आपको दिखेगा पांडवजाई माता का मंदिर। मंदिर जो है बहुत ही भग्न अवशेष में दिख रहा है। चलिए अब अंदर चल के दर्शन लेते हैं। यहाँ पे महादेव जी की शिवलिंग है, ओम नमः शिवाय। पांडवजाई माता से पांडवगढ़ किला। तो मंदिर के लेफ्ट साइड से पीछे में एक ट्रेल जाती है, हम अब वहां पे जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत भग्न अवशेष हमें दिखाई देते हैं। ये कुछ मंदिर था शायद पुराना, और देखिए इस पेड़ की जड़ों ने पूरे मंदिर को जकड़ लिया है। मंदिर के पीछे वाले रास्ते से हम आगे निकल चुके हैं, और कहते हैं कि पांडवगढ़ फोर्ट का जो पूरा एरिया है वो पूरे 6 एकड़ में फैला हुआ है। ओ भाई, सामने का नज़ारा तो देखिए दोस्तों। थोड़ा सामने आते ही फोर्ट के आखिरी पाड़ा में आपको दिखेगा ये माउंटेन रेंजेस का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, जो कि है महाबलेश्वर माउंटेन रेंज का व्यू। तो दोस्तों पांडवगढ़ फोर्ट का ट्रैक जो है वो पूरा करने में, मतलब टॉप तक आने में 1.5 घंटा काफ़ी है आपको, और जो ट्रैक लेवल है वो इजी टू मीडियम है, डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों वो है धोम डैम, और उसके पीछे जो माउंटेन दिख रहा है वो है कमोयगढ़ फोर्ट, जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, और वो राइट साइड में वहाँ से दिख रहा है केंजलगढ़ फोर्ट। यहाँ से नियरेस्ट टाउन है वाई, जो 10 किलोमीटर में आता है। हमारा फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है, अब हम कोई अच्छी सी जगह देखते हैं खाना पकाने के लिए। ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए
आधा घंटा काफ़ी है, मैक्सिमम एक घंटा। इसके लिए पेड़ बहुत है लेकिन छोटे छोटे है। ये वाला लोकेशन अच्छा है बट वहाँ पर बहुत तेज हवाएं आ रही है। तो अभी खाना पकाने का समय था, मैं जगह ढूंढ रहा था लेकिन बहुत सारी जगह पे हवाएं तेज़ आ रही थी या कहीं पे छाव नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं आगे चलते चला। हनुमान मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ पे एक पेड़ है तो हम यहाँ पे जगह बनाते हैं। तो हमारा चूल्हा रेडी है और व्यू तो देखिए मेरे सामने, खरबूजा भी लाया है। अकेले के लिए पूरा एक खरबूजा बहुत है लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। शिलाहार डायनेस्टी के राजा भोज दूसरा इन्होंने इस किले का कंस्ट्रक्शन किया है। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ही एंजॉय किया, ये ट्रैक जो था सिंपल था लेकिन थोड़ा सा एडवेंचरस भी था तो बहुत मज़ा आ गया। आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मैं नीचे जाने के लिए डिसेंडिंग के लिए तैयार हूँ। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को पसंद आए तो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।